हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम हमारे होमवर्क क्वेश्चन से। चार क्वेश्चन दिए थे मैंने, ठीक है। मैंने ऐड तो नहीं किए थे आखिरी वीडियो में, बट सेपरेटली ग्रुप में सेंड कर दिए थे। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें लिखा था कि एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है ना। क्या था हमारा, एफ एक्स जो है वो क्वाड्रेटिक है, और गिवन है कि एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस पाई इज इक्वल टू जीरो, और एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि f ऑफ पाई बाय 2 इज -3 पाई स्क्वायर बाय 4, और मुझे लिमिट निकालना है इसकी, ठीक है। तो पहले हम ये इन्फॉर्मेशन को डिबग करते हैं, व्हाट इज एक्चुअली दिस इन्फॉर्मेशन सेज। अगर मैंने बोला f ऑफ पाई 0 है, इसका मतलब क्या, पाई इज रूट। सिमिलरली अगर f ऑफ माइनस पाई अगर 0 है, माइनस पाई भी इसका रूट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्वाड्रेटिक को, x प्लस पाई इंटू एक्स माइनस पाई, ऐसे लिख सकता हूं। बट ये लिखना सफिशियंट नहीं है, ठीक है ना। मैंने बोला अभी ये इतना लिखना सफिशिएंट नहीं है, द रीजन इज मुझे एक कांस्टेंट भी ऐड करना पड़ेगा। नाउ इट इज जनरलाइज्ड, नाउ इट इज जनरलाइज्ड, a टाइम्स x प्लस पाई इनटू x माइनस पाई, उससे मैंने ये इंफॉर्मेशन यूज करके मैंने अपना क्वाड्रेटिक को ये मान लिया, ठीक है ना। अब a निकालने के लिए क्या करें, उसने एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि f ऑफ पाई बाय 2 इज -3 पाई स्क्वायर बाय 4, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं। तो f ऑफ पाई बाय 2, तो -3 पाई स्क्वायर बाय 4 This is equal to a times x plus pi by 2. तो pi by 2 plus pi और x, तो मतलब pi by 2 minus pi. So इधर से मेरा क्या आ जाएगा, इस information से a आ जाएगा, तो निकाल लेते हैं इसको। तो -3 pi square by 4 is equal to, this is 3 pi by 2 और a है ही मेरा, और इधर से हो गया minus pi by 2. तो देखो 3 पाई स्क्वायर बाय 4 3 पाई स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनली यू आर गेटिंग a इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मैंने इधर 1 रख दिया, तो अल्टीमेटली मेरा फंक्शन आ गया, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं, मैंने बोला कि मेरा फंक्शन आ गया fx इज x प्लस पाई इंटू x माइनस पाई। अब हम इस लिमिटिंग पे जाते हैं, लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स माइनस पाई, ये पाई माइनस नहीं है, माइनस पाई है, मतलब माइनस पाई को अप्रोच कर रहे हैं हम, एफ एक्स विच इज एक्स प्लस पाई इंटू एक्स माइनस पाई अपॉन साइन ऑफ साइन एक्स। अच्छा अब देखना, अब एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई पे जो बाहर जो साइन लिखा है उसका आर्ग्यूमेंट कहां जा रहा है, अगर एक्स के लिए मैंने माइनस पाई रखा तो साइन ऑफ माइनस पाई जीरो, साइन ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जीरो होता है, तो इस साइन के लिए ये आर्ग्यूमेंट है और आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं शॉर्टकट से, दिस साइन दिस कैन बी रिप्लेस विद इट्स आर्ग्यूमेंट, तो मैं इधर ही हटा रहा हूं, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस नाउ। नहीं तो हटाते कैसे, एक्चुअली कैसे हटाते, साइन एक्स ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, फिर वो साइन ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स वन हो जाता, तो ये आ जाता मेरा, ठीक है। अच्छा अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला कि कभी भी लिमिटिंग वेरिएबल किसी और टर्म को जा रहा है, तो अवर टेंडेंसी शुड बी आई शुड मेक इट टेंड टुवर्ड्स जीरो, ठीक है ना, उससे कभी मिस्टेक नहीं होगी, कर तो ऐसे भी सकते विदाउट दैट, बट हमें हैबिट में डालना है कि हम उसको जीरो की तरफ लेके आए। तो देखो फिर मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई प्लस टी, तो इधर से मेरा टी कितना आ गया, एक्स प्लस पाई, ठीक है। तो अब अगर x माइनस पाई को जाएगा तो माइनस पाई प्लस पाई, तो t कहां जाएगा, जीरो को, तो माय न्यू लिमिटिंग वेरिएबल दैट इज t दैट विल टेंड टुवर्ड जीरो, और मेरा ये हो जाएगा x प्लस पाई इंटू x माइनस पाई, सॉरी x को तो मैंने रिप्लेस कर दिया, तो x प्लस पाई कितना हो गया, t इंटू x माइनस पाई कितना हो जाएगा, एक मिनट, ठीक है, तो x प्लस पाई इज t और x माइनस पाई, तो x की जगह मैंने माइनस पाई प्लस t रखा और माइनस पाई, ठीक है, अपॉन साइन ऑफ दिस, तो साइन ऑफ माइनस पाई प्लस t। अब देखो ये जो टर्म है जो सेकंड ब्रैकेट है न्यूमरेटर में वो एक फाइनाइट है, t अगर जीरो को जा रहा है तो ये कितना जा रहा है, माइनस टू पाई को, एंड दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो इसको हटा के मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस टू पाई, दिस इज माइनस टू पाई, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब मैंने बोला t अगर जीरो को जा रहा है तो जो नीचे वाला साइन है उसका आर्ग्यूमेंट जीरो को जा रहा है, नहीं जीरो को तो नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है, वो जा रहा है मेरा माइनस पाई को, तो मैं इसको जीरो की तरफ लेके आ सकता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो मैंने लिखा ऊपर तो टी लिखा है और ये माइनस टू पाई लिखा है, सॉरी
साइन ऑफ माइनस पाई प्लस टी लिखा है, तो पहले तो मैंने माइनस कॉमन लिया, चलो मैं इधर ही लिख रहा हूं इसको, इधर माइनस ऑफ साइन ऑफ पाई माइनस टी, और वी नो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ये हो गया माइनस साइन टी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, टी बाय साइन टी, टी टेंड्स टू जीरो पे वन, तो आंसर क्या मिला है 2 पाई, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस इज इक्वल टू 2 पाई। तो एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब मेन से ऊपर लेवल का ही बोलूंगा मैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, एक्स की पावर एन साइन एक्स की पावर एन होल डिवाइडेड बाय एक्स की पावर एन माइनस साइन एक्स की पावर एन, ठीक है। और उसने बोल रखा है कि लिमिट दिस इज नॉन जीरो फाइनाइट, जीरो भी नहीं है, इस फैक्ट का भी यूज करेंगे, नॉन जीरो फाइनाइट मतलब कोई कांस्टेंट है एक्सेप्ट जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन। आई होप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, तो चलो अब आते हैं इसके डिस्कशन पे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट, ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स की पावर एन है, साइन एक्स एन टाइम्स लिखा है, तो एंड दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, तो साइन एक्स को हम उसके आर्ग्यूमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं इसको आई कैन रिप्लेस विद एक्स की पावर एन। तो पहला स्टेप मेरा हो गया, ऊपर आ गया साइन एक्स की पावर टू एन, और डिनोमिनेटर में लिखा है एक्स की पावर एन माइनस। अब क्या करें, अब देखो इसे तुम ऐसे मत करना कि इसको एक्स की पावर एन लिख दो, बिकॉज दिस इज नॉट इन प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट नोट। तो अगर तुमने एक्स की पावर एन लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, तो मतलब कहने का मतलब है कि इसको हम कैसे करें, हम एक्सपेंशन से करेंगे, और एक्सपेंड भी कब तक करेंगे, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक। तो पहले तो मैंने इसका एक्सपेंशन लिख लिया, x माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल व्हिच इज 6 प्लस x की पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल व्हिच इज 120 एंड सो ऑन, इसकी पावर n है। मैंने क्या बोला, एक्सपेंशन मुझे कहां तक लिखना है, फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म तक। तो ऊपर अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसके मैं x की एक इसमें से इस ब्रैकेट में से x बाहर लिया, तो वो बाहर बन के क्या आएगा, x की पावर n। तो देखो मेरा न्यूमरेटर में तो लिखा है x की पावर 2n और डिनोमिनेटर में लिखा है x की पावर n माइनस x की पावर n इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 6 प्लस x की पावर 5 बाय 120 एंड सो ऑन, इसका होल पावर n, ठीक है। अच्छा अब देखो कहने का अब देखना क्या कर रहे हैं हम, एक तो पहली बात x की पावर n कैंसिल कर देता हूं, मैं इधर ही चेंज कर रहा हूं, एक x की पावर n गया ये खत्म और यहां पे ये खत्म, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब उसने बोला है कि लिमिट इज नॉन जीरो फाइनाइट। तो देखो अगर मैं चलो इसका पहले एक्सपेंड करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये अब वो फॉर्मूला लग गया, जैसे जैसे कि मैंने इसको लिखा x की पावर n, हाँ 1 माइनस। अब सुनना इधर, अब हम क्या करें, जैसे अगर मान लो तुमने हाँ जैसे अब देखो, अब हम ऑब्जेक्टिव से बोल रहा हूं मैं, देखना सुनना, n की वैल्यू अगर 1 ली, n की वैल्यू अगर 1 ली तो ऊपर तो x बचेगा, अच्छा। और देखो ये जो 1 है, जब ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, और जो फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, और तो उससे आंसर क्या आएगा, लोअर अपॉन हायर क्या आ जाएगा, इट डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि x 0 को जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर x बचेगा नीचे x स्क्वायर बचेगा, तो 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 इनफिनिटी हो जाएगा, इसका मतलब 1 नहीं ले सकते। अब मैंने बोला 2 ले सकते हैं, तो आंसर मिलेगा हां 2 ले सकते हैं, क्यों मिलेगा, देखो फिर मैं बात की बताऊंगा 3 क्यों नहीं ले सकते, एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। अब जब 2 लूंगा मैं, तो देखना ये 1 तो कैंसिल हो जाएगा, जब मैं किसी भी पावर का स्क्वायर करते हैं हम, तो क्या लिखते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड सो ऑन, फिर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो व्हेन यू स्क्वायर दिस, इफ n इज 2, आई एम डिस्कसिंग फॉर n इज इक्वल टू 2, तो 1 स्क्वायर आएगा वो तो इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर आएगा वो 4 डिग्री आएगा, इसका स्क्वायर 10 डिग्री एंड सो ऑन, हायर टर्म्स आएंगे। जब मैं 2 ए बी करूंगा, 2 ए बी इंटू 2 बी सी टाइम्स, तो 2 इंटू ये दोनों करूंगा, तो क्या आएगा, 2 इंटू मतलब सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर आएगा। कहने का मतलब देखो, अगर मैंने एन की वैल्यू 2 ली, तो एक तो ये आया 1 माइनस 1 प्लस सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट इनटू सम एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है। अब सुनना, अब मैंने अगर एन की वैल्यू 2 ली, तो दिख रहा है कि एन की वैल्यू अगर 2 लूंगा तो ये तो कैंसिल हो गया, दिस इज द फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म, इधर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो मैं फाइनाइट चाहिए, तो मेरे को एन क्या लेना पड़ेगा, ऑफकोर्स तो n इज इक्वल टू 2 इस करेंगे, लेकिन अब मैंने बोला चलो 3 बताता हूं गलती क्यों है।
अब गलत क्यों है, थ्री देखना, अगर मैंने इधर थ्री ले लिया तो मेरा ये तो हो गया एक्स क्यूब। अब डिनोमिनेटर में देखो, जब इधर क्यूब लूंगा मैं तब भी मेरा एक्स स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तब भी मेरा एक्स स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो कहने का मतलब इधर जो न्यूमिनेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की जो डिग्री होगी, मतलब डिग्री से मेरा इफेक्टिव डिग्री है जो डोमिनेटिंग होगा वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे डोमिनेटिंग की बात। तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। बट आई वॉन्ट नॉन जीरो फाइनाइट, हेंस एन कैन नॉट बी थ्री, और फिर उसके बाद तो होगा ही नहीं। आई होप समझ में आया होगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग इंफिनिटी 8x³ + mx² ⅓ - nx एग्जिस्ट करता है इक्वल्स टू 1m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m बाय n। ठीक है, चलो ये भी आसान क्वेश्चन ही है। तो देखते पहले फॉर्म देखते कौन सा है। तो देखो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी आएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, इसमें से x क्यूब बाहर लिया तो बाहर बन के क्या आएगा x, तो दिस इज x और ये तो बचा 8 + m/x⅓ - nx। तो दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x टाइम्स, अब देखना क्या लिख रहा हूं मैं, 8 + m/x⅓ - n। ठीक है, करेक्ट है यहां तक। अब एक बार देखते हैं क्या फॉर्म कैसी दिख रही है। तो देखो अगर, क्योंकि जब हम कॉमन ले रहे हैं ना तो देखो फॉर्म चेंज हो जाएगी। अभी तो मेरी क्या थी इससे पहले वाले स्टेप में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, नाउ यू विल सी द फॉर्म इज n, अगर x अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो दिस इज इन्फिनिटी, और ये कहां जाएगा, ये कहां जाएगा। देखो अगर, अब देखो इसी स्टेप में मेरी एक्चुअली m की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी n की वैल्यू, देखना कैसे, इसी स्टेप में m की हम निकालेंगे आगे चल के। मैंने बोला इसी स्टेप में मेरी n की वैल्यू आएगी, कैसे, अगर n इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये कहां जाएगा, m बाय इन्फिनिटी जीरो, 8 + 0 = 8, 8 3 = 2 को जाएगा और ये कहां है, माइनस n। अब मैंने बोला तुमसे कि ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये किसको जाना चाहिए, 1 आने के लिए, ये अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो इट शुड बी इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट शुड बी, तो इसका मतलब इसको जीरो जाना पड़ेगा। देखो एक तरीका ये है, मैं आगे भी सॉल्व करूंगा उससे भी मैं बता दूंगा, अभी मैं क्या बोल रहा हूं कि दिस शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो, बिकॉज तभी तो मेरी इन्फिनिटी इंटू जीरो बनेगी। अगर मान लो ये फाइनाइट आ गया कुछ, तो सम फाइनाइट इंटू इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, दैट मींस दिस शुड टेंड टुवर्ड्स जीरो। तो 2 - n क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे यहां से 2। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो मैं इससे, मेरा इस स्टेप पे मेरी एन की वैल्यू आ गई, दैट इज 2। तो मैं अब एन को 2 रख रहा हूं इधर, और अगर मान लो, चलो तो मैं n ही रख लो, अभी बाद में चेंज कर लेते हैं। चलो ठीक है, n की वैल्यू अपने निकाल ली, वैसे 2 है। अब मैंने बोला अब क्या करें, तो देखो इन्फिनिटी है तो एक मिनट, जीरो की तरफ लेके आते हैं, बिकॉज वैसे इधर भी बायनोमियल लगा सकते हो, m बाय x जो होगा वो जीरो को जाएगा, बट आई विल प्रेफर जीरो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स इज इक्वल टू 1/t लगा रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/t। अब देखना इधर क्या बनेगा, 8 + mt⁄⅓ - n। अब बाइनोमियल के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, 1 प्लस समथिंग, तो इधर 8 है तो 8 को पहले 1 बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे, 8 को बाहर ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/t। इधर आया मेरा 8, 8 जब क्यूब रूट के बाहर आएगा तो 2 बन के बाहर आएगा, और जो हो जाएगा 1 + mt⁄ⅸ - n। ठीक है, अब सुनना, ये हो गया 1/t, लिमिट t टेंड्स टू 0 चल रहा है हमारा, 1/t ऊपर एक्सपेंड करते बाइनोमियल से, तो 2 तो ये लिखा है 2 टाइम्स, अब क्या आता है मेरा बाइनोमियल में 1 + nx, तो 1 + n, n हियर इज 1/3, 1/3 इनटू x, x हियर इज mt by 8 प्लस। अब देखो कहने का मतलब सुनना ध्यान से, चलो एक और टर्म लिख के बता देता हूं, फिर ज्यादा और क्लियर हो जाएगी। तो इधर मेरा कुछ तो आएगा और टी स्क्वायर आएगा, मैं अभी वो कुछ जो चीज है वो लिख नहीं रहा हूं, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डेट डैश डैश चल रहा है माइनस एन। अब सुनना, मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 चाहिए, मतलब नॉन जीरो फाइनाइट चाहिए, तो डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, जी टी को मैं इसके नीचे लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं। अब देखना इधर से भी हम एन की वैल्यू कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे मैंने उधर बताया था डायरेक्टली, इधर से भी अब आ जाएगा, देखो कैसे। अब मैं देखो उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लेता हूं, तो कॉन्स्टेंट पार्ट क्या है ऊपर 2 - n + t टाइम्स
m by 8 3 is 24 plus t square into something आएगा plus t cube into something and so on divided by t. अब देखो इधर देखना ध्यान से. अब मुझे क्या चाहिए t end extends to infinity पे ये चीज मुझे चाहिए अपना क्या बोलते हैं finite चाहिए ठीक है. और वैसे भी आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसके बाद उसमें इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे. वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट्स ठीक है ना. वो टॉपिक ही है. अगर कोई डाउट भी आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है. अब सुनना. अब मैंने बोला कि फाइनाइट आना चाहिए तो इसका मतलब क्या है. अगर न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है तो ऊपर भी क्या आना चाहिए टी आना चाहिए. मतलब अगर ऊपर ऊपर अगर मैंने ये नॉन जीरो हो गया एक मिनट के लिए ये नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो का कांस्टेंट है विच इज ऑफ डिग्री 0 तो ये डोमिनेट हो जाएगा फिर ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे. तो 0 डिग्री अपॉन 1 डिग्री x अगर 0 को जा रहा है तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर इंफिनिटी. बट मुझे तो 1 चाहिए इसका मतलब दिस हैज टू बी 0. आज हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत क्वेश्चन. तो इसको 0 पर होना पड़ेगा क्योंकि लिमिट फाइनाइट चाहिए. तो n की वैल्यू यहां से क्या आई 2 ठीक है. अच्छा नेक्स्ट चीज. अब मैंने बोला इस पे कैसे कमेंट करें तो ये तो खत्म हो गया मेरा. अब मैंने बोला इस पे कमेंट कैसे करें तो देखो अब मैं फैक्ट यूज करूंगा नॉन जीरो वाला. नॉन जीरो वाला कि अगर n अब लिमिट नॉन जीरो आ रही है. नॉन जीरो आ रही है इसका मतलब क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री बराबर होना चाहिए. याद है मैंने तुम्हें जब वो लिखवाया था x टेंड्स टू 0 पे हायर अपॉन लोअर क्या होता है 0 लोअर अपॉन हायर क्या होता है इंफिनिटी इक्वल अपॉन इक्वल क्या होता है फाइनाइट. देखो ऐसे बताया था मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लोअर डिग्री अपॉन हायर डिग्री ये क्या होगा मेरा इंफिनिटी हायर अपॉन लोअर क्या होगा 0 और इक्वल अपॉन इक्वल क्या होगा एक फाइनाइट. रख के भी देख सकते हो ना ऐसे लोअर अपॉन हायर में जैसे मैंने लिखा x अपॉन x स्क्वायर तो 1 बाय x बना x टेंड्स टू 0 पे इंफिनिटी x स्क्वायर अपॉन x x बना लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0 तो फाइनाइट कब आ रहा है व्हेन दोनों का डिग्री बराबर हो. बराबर होगा इसका मतलब ये वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे ये डोमिनेटिंग होना चाहिए. तो अब इससे मेरी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आई m बाय 24 और ये किसके बराबर है दैट इज गिवन एज 1 तो m की वैल्यू कितनी आई 24 ठीक से 24 है वेट अ मिनट हाँ ये 2 भी मल्टीप्लाइड है. देखो ये 2 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 2 इधर 2 भी आएगा ठीक है तो ये 2 इधर हो जाएगा तो m आएगा हमारा 12. तो m बाय n कितना हो गया उसने m बाय n पूछा है m बाय n इज 12 बाय 2 विच इज 6. आई होप क्लियर हो गया होगा एंड डोंट वरी आज हम इसके ऊपर बहुत इलस्ट्रेशन करने वाले हैं ठीक है. चलो तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू y. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स y. थोड़ा डिफरेंशिएशन यूज होगा इसमें x की पावर x माइनस y की पावर y अपॉन x की पावर y माइनस y की पावर x ठीक है. अच्छा अब इसको पहले समझते हैं ये क्या बोल रहा है क्योंकि अभी कंफ्यूजन लग रहा है कि वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है. तो देखो जब भी हम लिखते हैं जैसे मैंने ऐसे लिखा होता था लिमिट x टेंड्स टू 2 तो ये मेरा वेरिएबल होता था ना दिस इज अ कांस्टेंट. x 2 को जा रहा है मतलब x तो वेरी है 2 इज अ कांस्टेंट ना 2 की तरफ जा रहा है 2 इज अ कांस्टेंट x इज अ वेरिएबल. सिमिलरली इधर हमारा x क्या होगा वेरिएबल होगा और y दिस इज विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट. y तो एक समझ लो y की जगह तुम्हारा t लिखा है या लेट्स से अल्फा लिखा है ऐसे समझ लो कि x अल्फा की तरफ जा रहा है. तो डोंट गेट कंफ्यूज कि दो दो वेरिएबल है वेरिएबल एक ही है x वो y की तरफ जा रहा है y इज सम कांस्टेंट नंबर क्लियर है. अच्छा अब इसके लिए मैंने पहले हम फॉर्म देख लेते हैं. तो x अगर y को जाएगा तो ये क्या होगा y की पावर y माइनस y की पावर y विच इज 0 और ये y की पावर y माइनस y की पावर y हम क्या करेंगे x की जगह रखेंगे ना y तो ये क्या आया 0 बाय 0. तो 0 बाय 0 मैंने लास्ट क्लास में बताया क्या यूज करते हैं. फर्स्ट हमारा प्रेफरेंस क्या होगा एल हॉस्पिटल रूल. उसमें क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का. अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले हम अलग से डेरिवेटिव देख लेते हैं. देखना ध्यान से सबसे पहले हम x की पावर x का देखते हैं. मैंने बोला एक एज्यूम किया y मतलब मैं केवल इसका डेरिवेटिव सिखा रहा हूं तुम लोगों को x की पावर x का ठीक है. देयर आर टू मेथड्स एक्चुअली एक शॉर्टकट है और एक लॉग लेके. तो अभी शॉर्टकट के बारे में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ठीक है ना. वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन आएगा तब देखेंगे. अभी इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे देखो मेरे को निकालना है dy by dx निकालना है ठीक है ना. दिस आई हैव टू फाइंड कैसे निकालें. देखो क्या किया इस इक्वेशन में लॉग ले लिया क्या ले लिया ln ले लिया. तो मेरा क्या होगा ln y इज इक्वल टू ln ऑफ x की पावर x
फिर ये क्या हो गया एल एन वाई इज इक्वल टू, ये पावर आगे आ जाता है एक्स एल एन एक्स। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो इधर मेरे दो फंक्शन लगे हैं तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले चेन रूल से एल एन वाई का वन अपॉन वाई, फिर वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब इधर प्रोडक्ट रूल, पहले एक्स का डेरिवेटिव विच इज वन इन टू अदर फंक्शन दैट इज एल एन एक्स प्लस पहला फंक्शन एक्स एज इट इज एल एन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में वन बाय एक्स। क्लियर है? तो यहां से मेरा डीवाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इन टू वन प्लस एल एन एक्स, और मेरा वाई क्या है एक्स की पावर एक्स है ना, तो फाइनली द डेरिवेटिव ऑफ दिस इज एक्स की पावर एक्स इन टू वन प्लस एल एन एक्स। इसको हम मेमोराइज करेंगे, फ्रिक्वेंटली आता है ये कैलकुलस में दिस फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, ठीक है, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकाल लिया, ये तुम कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अब सुनना, अब बाकी फंक्शन है वो भी देख लेते, उनका भी डेरिवेटिव अलग से पहले निकाल के रख लेते, बाद में वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे डेरिवेटिव। अब मैंने बोला वाई की पावर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, व्हाट इज डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, अभी मैंने बताया वाई तो एक कॉन्स्टेंट है तो टू की पावर टू लिखा है, फोर लिखा है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, सो दिस इज जीरो। एक साथ लिख लेते, इधर मैंने क्या लिखा था डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, ये कितना आया था हमारा एक्स की पावर एक्स इन टू वन प्लस एल एन एक्स, ये तुम्हें मेमोराइज रखना है। अब आते हैं नीचे वाला एक्स की पावर वाई, अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, वाई कॉन्स्टेंट है, इट इज समथिंग लाइक एक्स की पावर एन, तो इसका पता है हमें क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, इधर वाई कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला वाई कॉन्स्टेंट है, एक तरीके से समझो वाई एन है, ठीक है, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव पता है हमें क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, तो दिस विल बी वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन। क्लियर है? अच्छा, अब लास्टली वाई की पावर एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की पावर एक्स। ठीक है, अब अगेन वाई इज अ कॉन्स्टेंट नॉट अ वेरिएबल, तो इट इज समथिंग लाइक ए की पावर एक्स, अब इसका डेरिवेटिव भी पता है तुम लोगों को, ए की पावर एक्स का क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, क्या होता है ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए, ए का काम कौन कर रहा है वाई, तो वाई की पावर एक्स इंटू एल एन ए मतलब एल एन वाई। अगर नहीं आ रहा है ए की पावर एक्स का पता नहीं हो रहा तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका, हम इसको ई की पावर ई के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं, दिस कैन बी रिटन एज ई की पावर एक्स एल एन ए। अब एल एन ए तो कॉन्स्टेंट है, अब इट इज समथिंग लाइक ई की पावर के एक्स का डेरिवेटिव, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें, ई की पावर के एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स क्या होता है ई की पावर के एक्स, चेन पहले चेन रूल से पहले ई का डेरिवेटिव फिर के एक्स का डेरिवेटिव के, और के मेरा क्या है एल एन ए, तो देखो एल एन ए इंटू ई की पावर ए एक्स, और ई की पावर ये क्या है, ये तो ए की पावर एक्स ही लिखा है, तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज, क्योंकि मुझे पता है कि जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स वाई डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अभी देखा हमने, न्यूमरेटर में एक तो ये लिखा है और ये लिखा है, तो इन दोनों का डेरिवेटिव क्या एक्स का, तो हो गया एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज जीरो, ये जीरो है इधर, अपॉन एक्स की पावर वाई का डेरिवेटिव वाई इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन माइनस वाई की पावर एक्स का डेरिवेटिव विच इज वाई की पावर एक्स इंटू एल एन वाई, ये हो गया मेरा, मैंने बोला इसकी लिमिटिंग वैल्यू इसके बराबर होगी। ठीक है, यूजिंग एल हॉस्पिटल। अब क्या करें, अब एक्स के वाई रख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई, तो देखते हैं अगर इंडिटर्मिनेंट बनेगा तो फिर हम दोबारा लगाएंगे, नहीं बना तो वही हमारा आंसर हो गया। अब मैं क्या करूं, एक्स की जगह वाई रख देता हूं, तो ये हो जाएगा वाई की पावर वाई इंटू वन प्लस एल एन वाई अपॉन, अब देखो एक्स इंटू एक्स की पावर वाई माइनस वन लिखा है, मैं एक्स की जगह वाई रखने वाला हूं, तो ये क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई की पावर वाई माइनस वन, तो वाई की पावर वाई हो गया, y की पावर y माइनस ये भी y की पावर y इंटू एल एन वाई हो गया, y की पावर y इंटू एल एन वाई, तो फाइनली ऊपर और नीचे से y की पावर y कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट आउट विथ वन प्लस एल एन वाई अपॉन वन माइनस एल एन वाई, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, वैसे इजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजन का होता है एक तो बच्चों को, क्योंकि हम जनरली क्या होता है पूरे मैथमेटिक्स में एक्स और वाई वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं ना, तो वो वाई को भी वेरिएबल समझ लेते हैं, बट उसमें दिया है कि एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स वाई, तो वी हैव टू ट्रीट दैट वाई एज अ कांस्टेंट, पहली बात। और दूसरा बात, इसको टफनेस की तरफ मूव करने के लिए क्वेश्चन को, क्यों टफ की तरफ जा रहा है थोड़ा सा,
क्योंकि इसमें x की पावर x वगैरह का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, अभी के लिए जा रहा है वो भी। द रीजन इज अभी हमने डेरिवेटिव पढ़ा नहीं, डिफरेंशिएशन। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब हमारे लिए इजी कैटेगरी में मूव करेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो तो अब हम स्टार्ट करते नया, और वैसे नया नहीं है वो टॉपिक जो मैंने अभी तुम्हें बोला था कि वी हैव टू फाइंड द कांस्टेंट्स, तो वही चीज के क्वेश्चन लेने मुझे कि वो दे देगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फाइनाइट नॉन जीरो है, और उसमें कुछ पैरामीटर्स दे देगा, वो निकालना है, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन। तो पहले लिख लो टॉपिक, लिख लो टॉपिक फाइंडिंग कोफिशिएंट्स, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है, फाइंडिंग कोफिशिएंट्स यूजिंग लिमिट्स, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नहीं लिखते इसका डायरेक्टली, ठीक है ना, क्वेश्चन से ही समझेंगे इसका। तो देखो क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड जीरो, साइन ऑफ थ्री एक्स माइनस ए एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस डी एक्स की पावर फोर। और उसने बोला है कि इफ दिस एग्जिस्ट, जीरो नॉन जीरो नहीं बोला, इतना बोला है एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इन्फिनिटी नहीं है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड द लिमिट, एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। क्या लिखा, ऐसे लिख लो, चलो प्रॉपर, फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट, एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो देखो आप, तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करें, तो साइन एक्स वगैरह देखो, ये सारे टर्म्स तो पॉलिनोमियल के हैं, एक्स मेरा जीरो को जा रहा है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपेंशन से। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, साइन थ्री एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है हमारा, साइन एक्स का क्या होता है, एक्स, एक्स की जगह मेरा क्या है थ्री एक्स है, तो थ्री एक्स माइनस फिर होता है एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, तो इसका क्यूब क्या करेंगे, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स, समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो देखते हैं कहां तक जरूरत पड़ती है हमें, कभी तो मैं डैश डैश लगा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं तो चलो एक और टर्म लिख लो अगर लिखना है तो, प्लस एक्स की पावर फाइव, तो थ्री की पावर फाइव एक्स की पावर फाइव डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल 120, इससे ज्यादा नहीं लिखते हम, ठीक है ना, इतना ही लिख के छोड़ दिया। फिर माइनस ए एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स क्यूब होल डिवाइडेड बाय माय 3x square plus 9x cube plus dx की पावर 4। अब क्या किया, टर्म्स को क्लब किया, क्लब से मेरा मतलब है पहले x लिखा उसके कोफिशियंट को देखा क्या है, y लिखा वो सॉरी x square लिखा उसके कोफिशियंट को एक साथ लिख रहे हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, पहले x लिख रहा हूं इसके कोफिशियंट, एक तो 3 आ रहा है इधर से और एक इधर से माइनस है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस है, और कुछ आ रहा है क्या x का कोफिशियंट, नहीं और तो नहीं आ रहा। फिर आते हैं हम x square पे, तो x square का कोफिशियंट कितना आ रहा है, इसमें कोई आएगा नहीं, इसमें तो नहीं आएगा, इधर भी नहीं है, ये है फाइव, तो दिस इज फाइव प्लस, फिर एक्स क्यूब का कोफिशियंट, तो इधर से मेरा माइनस ट्वेंटी सेवन बाय सिक्स, माइनस ट्वेंटी सेवन बाय सिक्स, और इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, माइनस बी, तो माइनस बी प्लस एक्स की पावर फाइव का कोफिशियंट एंड सो ऑन, ऐसा चलेगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा है मेरा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स क्यूब प्लस डी एक्स की पावर फोर। तो कभी भी इतना लिख लिया हमने इन सच क्वेश्चन, ऐसे लिख लिया, मतलब पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल के फॉर्म में लाए। अब हम यूज करेंगे हमारा लॉजिकल पार्ट, उसके लिए मैं पहले थोड़ा रब कर रहा हूं इसको, देखना। अब मैंने बोला कि डिनोमिनेटर की एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो इफेक्टिव डिग्री क्या है, टू, ये डोमिनेटिंग है, तो इस एक्स अगर जीरो को जा रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये दोनों खत्म हो जाएंगे, सिंपल होगा ये, ठीक है, तो वी आर लेफ्ट आउट विद 3x स्क्वायर। अब सुनना ध्यान से, अब लॉजिकल पार्ट, अब डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, 2 है, तो डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है, 2 है। अब मैंने बोला कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या होना चाहिए फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, चलो मैंने बोला इन्फिनिटी ना हो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने पढ़ा x अगर 0 को जाता है तो हायर अपॉन लोअर जीरो होता है, और लो और लोअर अपॉन हायर ये इंफिनिटी होता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, और इक्वल अपॉन इक्वल क्या होता है, फाइनाइट होता है। बट उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, द लिमिट इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब ये भी हो सकता है और ये वाला केस भी हो सकता है, ये नहीं होगा, लोअर अपॉन हायर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि मुझे ऊपर की डिग्री क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर से बराबर, सॉरी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज्यादा हो, तो इधर लिख लो डिग्री फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, ऐसे प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो, फॉर लिमिट टू बी फाइनाइट, फॉर लिमिट टू बी
फाइनाइट, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। आया समझ में आया? क्यों? क्योंकि अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम हो गई तो लोअर अपॉन हायर से इंफिनिटी हो जाएगा ना, बट उसने बोला है लिमिट इज फाइनाइट। इसका मतलब क्या है? उसका डिग्री मतलब नीचे का 2 है तो इसका 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो डेफिनेटली इस टर्म को x का जो कोफिशिएंट है इसको 0 होना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? दैट मींस 3 माइनस a शुड बी 0, तो a कितना आ गया हमारा 3। क्लियर है? a 3 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब सुनना, अब मैंने बोला कि देखो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरा, फाइनाइट है। देखो अगर इधर वेरिएबल इन्वॉल्व होते ना x स्क्वायर के साथ भी, तो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनता। मैंने बोला अभी सिंस इट इज फाइनाइट तो ये टर्म्स नेगलेक्ट हो जाएंगे, x क्यूब x की पावर 5 वाले ये सब कैंसिल हो जाएंगे, यू विल बी लेफ्ट आउट विद दिस टर्म, और पीछे बचा 3x2। तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, लिमिट वैल्यू 5/3। अब कोई बोलेगा सर व्हाट अबाउट बी एंड डी, और सी भी था क्या मेरा, एक मिनट सी कहां था, एक मिनट देख लेते क्वेश्चन में। नहीं सी तो नहीं था, ए बी डी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सी तो था ही नहीं। हाँ तो अब मेरा कुछ चीज हुई कि डी का क्या है, डी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफकोर्स रियल क्वांटिटी होना चाहिए, डी कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलरली बी कुछ भी हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू 3, लिमिटिंग वैल्यू इज 5/3, एंड बी कॉमा डी बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, कोई भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो x अगर 0 को जा रहा है तो ये चीज याद रखना, अगर हमें फाइनाइट चाहिए तो ये वाला केस नहीं होना चाहिए, लोअर अपॉन हायर। इसका मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है? चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और यही मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है लिमिट्स में, ये फाइंडिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। फाइंडिंग कांस्टेंट इज अ गुड क्वेश्चन, बहुत फेवरेबल टॉपिक है जेई का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टूवर्ड 0, 4 माइनस ए कॉस एक्स, वीडियो पॉज करके तुम भी ट्राई कर सकते हो पहले, बी साइन एक्स माइनस 5x प्लस सी एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 7x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 4, ठीक है। और वही चीज ये एग्जिस्ट कर रहा है, देन वी हैव टू फाइंड ए बी सी और डी, तो है नहीं इसमें, नहीं, फाइंड ए बी सी एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, और लिखा कितना है, लिखा ये इतना दिया है कि फाइनाइट है, उसने बोला है कि दिस इज फाइनाइट, लिख लेना फाइनाइट है, देन फाइंड ए कॉमा बी कॉमा सी ऑल्सो लिमिट, ठीक है। चलो तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखना तो क्या करें, अगेन ये पॉलीनोमियल है, ये भी दोनों पॉलीनोमियल के टर्म है, इन दोनों को कन्वर्ट कर लेते यूजिंग एक्सपेंशन। तो देखो क्या आएगा, 4 माइनस ए टाइम्स कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 6, अभी देखते हैं कितनी जरूरत पड़ती है, अभी मैंने इतने टर्म लिख दिए, ठीक है। प्लस बी टाइम्स साइन एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 6, इधर मैंने गलत लिख दिया, एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल होता है, एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल विच इज 24, हाँ एंड सो ऑन, जितना जरूरत पड़ेगी देखेंगे। एंड लास्टली हियर इट इज माइनस 5x प्लस सी एक्स स्क्वायर, अच्छा होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये यही नेग्लेक्ट कर सकते हो, अगर x 0 को जा रहा है तो दिख रहा है डिनोमिनेटर का डिग्री इफेक्टिव डिग्री 2 है, तो ये चीज नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो यू विल बी लेफ्ट आउट विद 7x स्क्वायर, वही चेंज कर दिया, यहां नहीं लिखना पड़ा है। अब मैंने क्या बोला था, फर्स्ट योर टारगेट इज तुम उसको पॉलीनोमियल फॉर्म में लिख लो न्यूमरेटर को, तो पहले कॉन्स्टेंट टर्म देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है, तो इधर से 4, इधर से माइनस ए, और इधर मेरा नहीं है, इधर नहीं, इधर नहीं, तो 4 माइनस है इधर कांस्टेंट टर्म प्लस, अब मैं एक्स का कोफिशिएंट लिख रहा हूं, तो इधर तो नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, इसमें आ रहा है बी, इसमें आ रहा है 5, तो बी माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो इधर से माइनस ए इंटू माइनस हाफ विच इज ए बाय 2, इधर नहीं है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इधर भी नहीं है, ये है प्लस सी, फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एंड सो ऑन, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर नहीं है, इधर आ रहा है माइनस बी बाय 6 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा ये, तो वो तो डिपेंड करेगा हम कितना एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखो अब आंसर आ जाएगा हमारा इस स्टेप में 7x स्क्वायर। अब अगेन वही चीज, लिमिट x एक्सटेंड्स टू 0 जा रहा है, तो चलो एक बार और एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका, और रिवाइज हो जाएगा। इधर देखो क्या लिखा मैंने, अगर x 0 को जाता है तो हायर अपॉन लोअर
मतलब जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, कहाँ जा रहा है ये, जीरो को, मैं बोल रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे। फिर मैंने बोला इक्वल इक्वल अपॉन इक्वल कहाँ जाएगा, जैसे मैंने लिख लिया थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फाइव एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बी फाइनाइट, थ्री बाय फाइव फाइनाइट आया। एंड लास्टली लोअर अपॉन हायर, इसका मतलब एग्जाम्पल के तौर पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस विल बी वन बाय एक्स, कहाँ जाएगा इन्फिनिटी को। अब उसने क्या बोला था, लिमिट इज फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जीरो भी हो सकती है या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट भी हो सकता है। तो दीज आर द टू सिनेरियोस पॉसिबल, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिग्री कितना है, टू है, तो इसका मतलब ये टर्म जीरो होना चाहिए एंड ये टर्म जीरो होना चाहिए, क्लियर है। अगर ये नॉन जीरो हो गई, अब एक मिनट के लिए नॉन जीरो हो गई, तो इसके रिस्पेक्ट में ये सब कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, फोर माइनस ए अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे क्या होगा, वो इन्फिनिटी को जाएगा। सिमिलरली अगर ये नॉन जीरो हो गई तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, अगेन वो इन्फिनिटी को जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म जीरो होना चाहिए। तो इधर से क्या आया, ए इज इक्वल टू फोर और बी इज इक्वल टू फाइव, यहां तक क्लियर है। चलो अब आते इस वाले टर्म पे, तो ए की वैल्यू फोर है तो मैं इधर चेंज कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिखना, तो दिस इज टू, दिस इज टू, एक मिनट, एक मिनट। अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट देखना, मैं वही चीज बोलने वाला था। अब देखो इसके लिए अब हमें एक्स क्यूब की मदद लेनी पड़ेगी, देखना ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात आ रही है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन। हाँ अब सुनो, अब देखो 2 प्लस सी जो है वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है, ठीक है, वो जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो भी हो सकता है। अब वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि देखो अगर 2 प्लस सी नॉन जीरो हो गया एक मिनट के लिए तो ये सब खत्म, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर 2 प्लस सी बचेगा नीचे 7 बचेगा, क्लियर है, ठीक है। अब मैंने बोला अगर 2 प्लस सी जीरो हो गया तो मेरा ये खत्म, तो फिर मेरा ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हायर अपॉन लोअर आ जाएगा, तो आंसर शुड बी जीरो, तो वो भी करेक्ट है। अब मैं कैसे चूज करूं, तो देखो अब मैंने बोला कि जो मेरी बी की वैल्यू आई फाइव, तो वो मैंने इधर रखी फाइव बाय सिक्स, इधर फाइव आ गई, क्लियर है, एक सेकेंड जस्ट होल्ड ऑन, फाइव बाय सिक्स, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, अगर मैंने सी की वैल्यू माइनस टू, इफ सी इज इक्वल टू, एक मिनट को जैसे यही केसेस बना लेते हैं, एक मिनट, सी का सही तो लिखा है ना, मैं एक्स एर का कोफिशियंट, एक सेकेंड एक सेकेंड, दिस इज एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ना, फोर माइनस ए करेक्ट है, फिर एक्स का कोफिशियंट इधर नहीं है, बी माइनस फाइव करेक्ट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट इधर से ए बाय टू, ठीक है, ए बाय टू इज टू, और इधर से प्लस सी, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक मिनट, तो सी मेरा आया माइनस टू, सी इज इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, तो इससे मेरा ये टर्म भी जीरो हो गया और फिर ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, लिमिट एक फाइनाइट आ जाएगा, तो विच विल बी जीरो, वो भी करेक्ट है। इफ दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तब भी करेक्ट है, एक्चुअली दो केसेस बन रहे हैं इधर। अब मुझे ना एक काम करता हूं मैं, इसको ना नॉन जीरो फाइनाइट कर देते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि अभी दो पॉसिबिलिटी है सी की, कहने का मतलब देखो इधर सुनना, जो क्वेश्चन लिखा था ना इसमें ऐसे लिख लो, इंस्टेड ऑफ फाइनाइट नॉन जीरो और ऐड कर लो, नॉन जीरो फाइनाइट, नॉन जीरो फाइनाइट करने पे क्या हुआ, अब हम इसको जीरो नहीं करेंगे, द रीजन इज इसको अगर जीरो कर दिया तो इधर मेरा एक्स क्यूब बचेगा, उसका कॉफी उसका जो कॉन्स्टेंट है वो तो नॉन जीरो है, तो माइनस, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, एक्स क्यूब बचेगा और नीचे एक्स स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, तो इसका मतलब इस दिस पार्ट हैज नॉट टू बी जीरो, ठीक है, तो मेरा जो, एक सेकंड मैं क्वेश्चन दोबारा देखता हूं, इसमें कहीं थोड़ा सा चेंज है क्या, एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी एंड वैल्यू ऑफ लिमिट, फोर माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर अपॉन सेवन एक्स क्यूब, ओके, द क्वेश्चन इज एक्चुअली वही तो मेरे को लगा मिस्टेक हो रहा है कुछ, जस्ट होल्ड ऑन, देखो इधर इधर क्यूब था एक्चुअली क्वेश्चन में, वही तो मल्टीपल केसेस बनते जा रहे थे हमारे। अब देखो
कोई चीज नहीं, जो बोला उसको भूल गए, यहां से स्टार्ट किया दोबारा। देखना नीचे x तो x स्क्वायर के करस्पोंडिंग मल्टीपल केसेस बन रहे हैं। अब भूल जाओ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही है, दिस इज फाइनाइट, ठीक है। अब देखो उसके ऊपर भी तुम एनालिसिस करना खुद का, ठीक है ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर x स्क्वायर होता तो देखो क्या-क्या सिनेरियो होते हैं, ठीक है ना। और वो चीज थी वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी ना चाहके भी, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हमने गलत क्वेश्चन लिख लिया था। अब देखो इधर 7x क्यूब है, तो अगेन न्यूमरेटर का डिग्री क्या होना चाहिए, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिग्री। तो इधर से क्या आया, a इज इक्वल टू 4, इधर से क्या आया, b इज इक्वल टू 5, और इधर से क्या आया, c इज इक्वल टू -2। तो abc की वैल्यू आ गई, और लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई, -5/6/7, क्योंकि अगर ये नॉन जीरो आ रहा है x2 का कोएफिशिएंट, तो ये सब नेग्लेक्ट हो गए, तो वी आर लेफ्ट आउट विद -5/6/7, दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, तुम एक बार एनालिसिस करना बाय टेकिंग दिस एज x square के लिए, तो ये हो ही गया एनालिसिस, x square लेके एक बार एनालिसिस करना, ठीक है ना, और फिर मुझे बताना क्या तुम्हारा कंक्लूजन निकलता है। चलो अब हम और क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये, समझ लो अगर तुम्हारा लिमिट स्ट्रांग हो गया ना, तो आगे दो चैप्टर तुम्हारे बहुत स्मूथ जाने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा। और ओवरऑल लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन तीनों को मिला के ही क्वेश्चन बनता है एडवांस में। मेंस में तो ठीक है सेपरेटली क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस में स्पेशली लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों को मिला के हो सकता है वो एक पैराग्राफ भी दे दे, और पैराग्राफ मतलब समझ लो बहुत ज्यादा नंबर होगा, 12 नंबर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं पहले मैं, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड ए कॉमा बी, ठीक है। उसने दे दिया कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफिनिटी पे ये जीरो है, देन वी हैव टू फाइंड ए कॉमा बी। तो करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इधर एलसीएम देखो क्या ले रहा हूं, एक्स प्लस 1 ये करूंगा मैं, तो आएगा ये माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, और इधर से माइनस बी एक्स माइनस बी होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1, उसमें बोला दिस इज जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी पे। अब देखो इन्फिनिटी है तो सिनेरियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या तो एक काम करो तुम इसको जीरो पे लेके जाओ, ठीक है ना, दैट यू कैन डू एनी ऑफ द वे। मैंने क्या बोला, या तो इन्फिनिटी को जीरो की तरफ लेके जाओ, या फिर इधर से ही एनालिसिस कर ले। तो देखो जीरो वाला हमारा एनालिसिस मैंने कर लिया है, एक काम करते इन्फिनिटी से ही करते हैं, एक बार एनालिसिस करके देखते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर जीरो को लेके जाना है तो प्रीवियस की तरह क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, बट मैं इन्फिनिटी पे एक बार करके बता रहा हूं। तो एक्स स्क्वायर को पहले तो पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए, तो ये टर्म यूज हो गया, ये टर्म यूज हो गया, माइनस एक्स टाइम्स ए प्लस बी, तो ये टर्म यूज हो गया, ये टर्म यूज हो गया, प्लस 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। तो एक्स टाइम्स इन्फिनिटी 1 तो खत्म है, डोमिनेटिंग एक्स है। अब मैंने बोला तुम्हें कि अब एक बार हायर वाला एक्स टाइम्स इन्फिनिटी वाला बोल देता हूं मैं। इसमें क्या होता था माना, हायर अपॉन लोअर डज नॉट एग्जिस्ट, लोअर अपॉन हायर, जैसे मैंने लिया x अपॉन x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाय x, x टेंड्स टू इनफिनिटी पे 0, और इक्वल अपॉन इक्वल क्या होगा, फाइनाइट नॉन फाइनाइट। तो अगर उसने बोला है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 0 के बराबर है, तो ये वाला सिनेरियो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर का डिग्री है दैट हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू, लिख लो इधर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, उधर उल्टा आया था, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, क्लियर है। तो इसका मतलब न्यूमरेटर का डिग्री 2 है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा डिग्री वाले टर्म्स 0 होना चाहिए, मतलब उसके कोएफिशिएंट्स। तो क्या है ये, इसका मतलब दिस हैज टू बी 0, क्योंकि अगर ये 1, जैसे ऐसे बोल दो कि a अगर 1 के बराबर नहीं हुआ तो ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, नीचे बचेगा x, तो वो ओवरऑल x बचा, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी में कहां चला जाएगा, इनफिनिटी। इसका मतलब a को 1 होना पड़ेगा, तो a शुड बी इक्वल्स टू 1, क्लियर है। अच्छा अब सुनना, मैंने बोला तो ए को मैंने इधर 1 रख दिया, ठीक है, दिस इज 1। अब उसने दे रखा है लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो ये मेरी, अब मैंने बोला इन दोनों में डोमिनेटिंग क्या है, इन दोनों में डोमिनेटिंग क्या है, तो अगर x की इधर से मैंने ये डोमिनेटिंग होगा x से पे, तो ओवरऑल लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स 1 प्लस बी, दिस हैज टू बी 0, तो b की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1, क्लियर है, समझ में आया। चलो अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं,
इसी को चेंज कर रहे हैं, देखना ध्यान से करना। मैंने बोला इसको टू की जगह, जीरो की जगह मैं टू ले रहा हूं, लेट्स से दिस लिमिटिंग वैल्यू इज टू, तो मेरा क्या होगा? तो अगेन वही एलसीएम लेंगे, मैंने मिटा दिया गलती कर दी, चलो दोबारा ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू, और एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस वन माइनस बी होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वन। तो अगेन वही कहानी, ये तो जीरो होना चाहिए ऑफकोर्स, तो ए कितना आया? वन आया। अब सुनना, ए की वैल्यू वन लिख दो। अब मैंने बोला अगर b माइनस वन हो गया, सुनना, b अगर माइनस वन हो गया जैसे उससे पहले वाले केस में आया था, तो b माइनस वन हो गया तो ये चीज जीरो हो जाएगी, फिर ये डोमिनेटिंग हो जाएगा, और फिर इसकी डिग्री जीरो है, इसकी डिग्री तो वन है, तो लोअर अपॉन हायर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट मुझे तो फाइनाइट नॉन जीरो चाहिए, दिस इज फाइनाइट नॉन जीरो, हेंस ये जीरो नहीं, क्या बोलते हैं, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका इसका मतलब ये डोमिनेट करना चाहिए, तो ये नेग्लेक्ट हो गया, तो माइनस टाइम्स वन प्लस बी दिस हैज टू बी इक्वल टू टू, तो इधर से आया बी इज इक्वल टू माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो हो जाएगा। चलो ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। अब एक काम करता हूं, मैं एक दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, ठीक है? इसमें और कुछ चेंज कर सकते हैं हम क्वेश्चन में, इसी को मॉडिफाई करके, जैसे मेरा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है वैसे इसमें। अब देखो क्या क्वेश्चन हो, तो होमवर्क में लिखोगे कि अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है, देन फाइंड रेंज ऑफ ए, ऐसा लिख लो, फाइंड रेंज ऑफ ए, ए की अलाउड वैल्यूज क्या होगी। उसने बोल दिया कि इफ दिस लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी देन फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। चलो अब एक और होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो इधर ही लिख देता हूं, इसे बता देता हूं। देखो होमवर्क क्वेश्चन एक ही दे रहा हूं मैं, मैंने बोला लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी दिस इज इक्वल टू सेवन फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी, ठीक है ना। अभी कौन सा फॉर्म है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। तो इतना काफी है आज के लिए, ठीक है, और कोई भी डाउट आए तो बिल्कुल बिंदास पूछो। और मैं क्या बोल रहा था, जो इससे पहले वाला जो मैंने किया था गड़बड़, जो डिनोमिनेटर में सेवन एक्स क्यूब था, एक्चुअली मैंने एक्स स्क्वायर लेके एनालिसिस किया था, तो एक बार वो एनालिसिस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल्सो, ठीक है ना। वो तुम क्या लोगे डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लेके, फिर बताना कि क्या होता है, ठीक है ना। मतलब जरूरी नहीं आंसर आए, आंसर आए से मेरा मतलब है फिक्स आंसर नहीं आएगा, जस्ट पहले दो कोफिशिएंट से तो हो गया था डील, तो थर्ड वाले में दिक्कत हो रही थी, तो उसका एनालिसिस एक बार तुम लोग करना, ठीक है ना। बाकी क्यूब के लिए तो वो बहुत आसान हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि शुरू के जो तीनों टर्म्स थे, कॉन्स्टेंट टर्म, डिग्री टू का टर्म और डिग्री वन का टर्म, दे ऑल आर जीरो, ठीक है ना, सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म डिग्री वन, हाँ डिग्री टू, ये टर्म जीरो हो गए थे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट का रेशियो इज माय आंसर। बट तुम्हें एनालिसिस क्या करना है, नीचे एक्स स्क्वायर का डोमिनेट, जो नीचे पॉलिनोमियल है ना उसमें एक्स स्क्वायर लेना इंस्टेड ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। चलो फिर दैट्स इट, ठीक है ना, और कल टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छा से करना परफॉर्म, ठीक है ना। चलो दैट्स इट, थैंक यू।